The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. CT scan. What is CT scan? Computerized tomography, जिसे हम कहते हैं. तो सीटी स्कैन है क्या? एक तरीके का इमेजिंग टेक्निक है जिससे हम आपके इंटरनल चीज़ों की इमेज ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, राइट? तो एक इमेजिंग मेथड है, बिल्कुल जैसे एक एक्सरे इमेजिंग मेथड है, एमआरआई इमेजिंग मेथड है, वैसे ही सीटी स्कैन भी एक इमेजिंग मेथड है. सो सीटी स्कैन से आपके बॉडी का, मतलब पूरे शरीर की फ़ोटो ले सकते हैं. तो सीटी स्कैन में क्या क्या आता है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, सब की बातचीत करते हैं. सीटी स्कैन में आता है आपका, चाहे वो एब्डोमिनल, पेट का या पेल्विस का, यानी लोअर जो हिप्स है, हिप्स का सीटी स्कैन हो, दिमाग का, हेड का सीटी स्कैन हो, सर्वाइकल बोन का या स्पाइन का हो, या फिर कहीं कभी, या फिर मान लीजिए कभी कभी साइनस के लिए और वाइटल सीटी स्कैन होता है, या कभी कभी छाती का भी सीटी स्कैन होता है बाकी सारी चीज़ों के साथ. तो होता क्या है, होता कैसे है ये टेस्ट, देखिए सीटी स्कैन के लिए आपको एक सीटी स्कैनर के बीच में डाला जाता है, एमआरआई जैसी मशीन में अंदर आप जाते हो, और जब आप अंदर होते हो मशीन का जो एक्सरे बीम है वो घपा घप रोटेट करता है आपके अराउंड, और बहुत सारे एक्सरेज लिए जाते हैं छोटे छोटे स्लाइसेस में आपके एक्सरे लिए जाते हैं, जिससे कि आपके वो स्लाइसेस को हम देख सकते हैं. एक्सरे में याद रखिए आपकी बोन्स दिखती हैं और कभी कभी कुछ ऑर्गन्स के शैडो दिखते हैं. तो शैडो उसका मतलब क्या है, एक्सरे क्या चीज़ है, जितना डेंस ऑर्गन होगा, क्योंकि बोन्स आर मोर डेंसर देन अदर टिश्यूज, है कि नहीं, सो वो उतना ज़्यादा वहाँ पे रेडियो ओपेक दिखता है. रेडियो ओपेक का मतलब वहाँ पर वो आपके वाइट दिखता है बेसिकली. तो जितना ज़्यादा वाइट उतना ज़्यादा रेडियो ओपेक, उतना ज़्यादा डेंस चीज़. सो इसीलिए एक्सरे भी, यानी हड्डियाँ भी वहाँ रेडियो ओपेक दिखती हैं, और कोई कैल्शियम स्टोन भी रेडियो ओपेक दिखता है, और अंदर ही कहीं ना कहीं हमको फिर आपके शैडो से पता चलता है कि ये लंग है. फीमेल्स में ब्रेस्ट शैडो आता है, लंग्स का, हार्ट का शैडो आता है, हिप्स में हिप बोन का शैडो आता है, हर चीज़ का शैडो आता है, राइट? तो शैडो से सीटी स्कैन में पकड़ते हैं कि ये ऑर्गन का साइज कैसा है, उस ऑर्गन के आसपास कोई पानी तो नहीं है, वाटर पानी कहीं हो तो उसका शैडो ब्लैक आता है, जितना ब्लैक उतना वाटर, और जितना उसके अंदर दूसरी चीज़ें होगी जैसे ब्लड होगा, पस होगा, उतना उसमें थोड़ा बहुत और ब्लैकिशनेस कम हो सकती है, रिमेंबर दैट, क्योंकि वो उतना रेडियो ओपेक होता जाएगा, राइट? तो रेडियो लूसेंट मतलब ब्लैक, ब्लैक इज वाटर, राइट? और एयर भी साथ में वाइट होती है, वाटर और एयर दोनों काफ़ी हद तक इक्वली दिखाते हैं, लेकिन एयर कहीं पर भी एक साथ जमा नहीं होती है बॉडी में, लेकिन पानी आपके लंग के आसपास, हार्ट के आसपास पानी जमा हो सकता है, उस चीज़ में हम देख सकते हैं. नई टेक्नोलॉजी में आज के डेट में जो स्पाइरल सीटी, स्पाइरल स्कैनर्स आ गए हैं, वो बिना घपा घप आपके, मतलब बहुत सारे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एक साथ ले सकते हैं, और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं उन सारी इमेजेस को इस तरह से रिक्रिएट करके. तो ये रिमेंबर फॉर दैट. इसके लिए क्या करना होता है, सीटी स्कैन कई बार ऐसा भी होता है कि सीटी स्कैन में आपको इंजेक्शंस भी लगे, कॉन्ट्रास्ट वाला, तो कॉन्ट्रास्ट सीटी भी होता है जिसमें एक रेडियो ओपेक, यानी आपके डाई डाली जाती है, आईवी या ओरल डाई भी आपको खिलाई भी जा सकती है, आईवी भी डाली जा सकती है, इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है डाई का, और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके जो डाई जिसमें डालते हैं कि अंदर का जो हिस्सा है जहाँ जहाँ डाई जा रहा है वो अच्छे से दिखे. मान लीजिए डाई आपके खाने की नली में डाल रहे हैं, तो खाने की नली देखना चाह रहे हैं अच्छे से, तो वहाँ पे खाने की नली. अगर मान लीजिए डाई आपके वेन में डाल रहे हैं, वेन से फिर वो हार्ट में जाएगी, हार्ट से या तो वेनस सिस्टम या हार्ट के आसपास का सीटी एंजियोग्राफी जिसको कहते हैं, राइट? तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी सेरेब्रल एंजियोग्राफी, पेरिफेरल एंजियोग्राफी, इन सब से खून की नसें देख सकते हैं, उनमें खून कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है, रिमेंबर दिस. तो इस टेस्ट को
कब कब करेंगे, मान लीजिए कभी कोई इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है तो भी सीटी स्कैन किया जाता है, और कभी कभी बायोप्सी लेने के लिए भी सीटी स्कैन किया जाता है कि भाई पता चले कि कहीं ट्यूमर दिख रहा है तो वो ट्यूमर मतलब गांठ है, गांठ ट्यूमर तो नहीं है, सीटी स्कैन करके देखते हैं कोई किस तरीके का मास है, किस तरीके का ट्यूमर है, किस तरीके का कैंसर है। और खून की नसों को स्टडी करने के लिए तो किया ही जाता है, हमने ऑलरेडी देखा यहाँ हार्ट के आसपास की, लंग के आसपास, दिमाग के आसपास की खून की नसों को स्टडी करने के लिए सीटी स्कैन किया जा सकता है। रिमेंबर, इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल रिजल्ट नहीं होता, इसमें होता है कि ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गन, ये जो चीज़ जो हम देख रहे हैं, मान लो ऑर्गन देख रहे हैं, खून की नस देख रहे हैं, हड्डियाँ देख रहे हैं, या कोई गांठ देख रहे हैं, कोई टिश्यू देख रहे हैं, तो वो टिश्यू कितना नॉर्मल दिख रहा है एग्जामिनेशन देखने में और कितना एबनॉर्मल, बिल्कुल वैसे जैसे आप मुझे देखोगे और मैं आपको देखूंगा, सामने से देख के हम बता सकते हैं कि ये आदमी जो है, इस इंसान में कोई बीमारी है, ये लंगड़ के चल रहा है, या ये इसकी स्ट्रक्चर ठीक नहीं दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मोटा, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म ही छोड़ो, कोई अगर आप कुर्सी देखेंगे तो पता चल जाएगा कुर्सी सॉलिड है, ये टूटी हुई है, इसका तो पैर टूटा दिख रहा है। सो सेम वे देखने से काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन हर चीज़ नहीं, कभी 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 कोई चीज़ देखने में तो अच्छी दिखती है लेकिन जब यूज़ करते हो तो पता चलती है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जब आप, तो वैसे ही होता है। सो ये चीज़ सीटी स्कैन से भी होता है, तो हर चीज़ नहीं पता चलती उसमें, तो सीटी स्कैन की भी कुछ ऐसी भी हो सकता है कि देखने में ऑर्गन ठीक है लेकिन काम नहीं कर रहा सही से। सो दैट इज़ वो, फिर ब्लड टेस्ट आपको बताते हैं कि वो ऑर्गन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एबनॉर्मल रिजल्ट्स में जैसे खून की नसें, अगर उसमें खून नहीं जा रहा तो क्लियरली दिख जाएगा कि खून नहीं जा रहा, तो उसमें लेकिन हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता चलता है, अप्रॉक्सीमेट पता चलता है, वो देख के बता सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं सीटी स्कैन में। ये एक अच्छी बात होती है कि सीटी स्कैन में 3D सीटी भी बन जाता है, और इसको देखने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट्स होते हैं, और ये रेडियोलॉजिस्ट्स अपने एक्सपीरियंस और अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे बताते हैं कि आपकी सीटी स्कैन में जो आपके ऑर्गन जिनकी स्टडी हो रही है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्या है, राइट। और क्या इसमें कोई रिस्क होता है? नॉर्मली नहीं, लेकिन होता है, थोड़ा बहुत रिस्क आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीटी स्कैन यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सरे से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, एक हाथ एक्सरे, साल में एक एक्सरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोज हो रहा है रेडिएशन इस तरीके की, तो थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए अननेसेसरीली सीटी स्कैन नहीं किया जाता, और ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट का सीटी स्कैन ऐसा भी नहीं होता। सो नीड पे, इंडिकेशन पे ही टेस्ट किया जाता है। नंबर दो, कुछ तरीके का सीटी स्कैन्स में हम डाई यूज़ करते हैं, और ये डाई जो होता है वो किडनी के लिए कई बार डैमेज कर सकता है, इसीलिए किडनी जिसकी ऑलरेडी डैमेज है उसको हम ये कॉन्ट्रास्ट वाली डाई वाली सीटी स्कैन नहीं करते। तो किडनी फंक्शन हमेशा चेक होता है डाई वाला सीटी स्कैन, डाई कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने के लिए, और साथ ही डाई जो यूज़ होता है, राइट, डाइंग, जैसे हम कपड़े को डाई करते हैं, रंगते हैं, वैसी ही डाई होता है, DYE। सो ये डाई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों को इस डाई से, तो उसका भी एक रिस्क होता है। बाकी रेडिएशन एक्सपोजर को आपको समझना पड़ेगा। बाकी हाँ, नई से नई सीटी स्कैन की जो मशीनें आ रही हैं उनमें रेडिएशन एक्सपोजर कम होता जा रहा है, और इसीलिए डॉक्टर्स भी या टेक्नीशियंस भी जो यूज़ करते हैं ये, वो आपने देखा होगा एक बैच पहनते हैं वाइट कलर का जो रेडिएशन मेजर करता रहता है कि उनका एक्सपोजर कितना होता गया, कितना होता गया है, तो उससे पता चलता है कि रेडिएशन उनका कितना एक्सपोज हो गया है और अब आगे उनको छुट्टी करने की बात ज़रूरत तो नहीं है, राइट। सो एलर्जिक रिएक्शंस अगर आपको डाई से हो रहा है तो क्या होगा, आपको छींक आएगी, वॉमिटिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, अर्टिकेरिया जैसी खुजली खुजली हो सकती है, और आपको हो सकता है, अगर आपको मान लीजिए किडनी को दिक्कत हो सकती है तो डाई में, क्योंकि आयोडीन होता है ज़्यादातर, आयोडीन बेस्ड, तो आयोडीन बेस्ड में आप एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे या किडनी का टेस्ट रेगुलर चेक करेंगे तो पता चलता है। बाकी रूटीन चेकअप में इसके रिस्क बहुत ही नाके बराबर होते हैं, लेकिन हाँ इसके केसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। इसका बेसिकली सीटी स्कैन, जिसको कैट स्कैन भी बोला जाता है, कैट CAT, कंप्यूटेटेड एक्सियल टोमोग्राफी, दैट इज़ वन थिंग। तो ये हुआ बात सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन से याद रखिए हम ऑर्गन्स देख सकते हैं, आपके ऑर्गन्स की शैडो देख सकते हैं, एग्जैक्ट बेटर व्यू ऑर्गन्स का हमें
आपका अगर देखिए एमआरआई में आता है, अगर हमें सॉफ्ट टिश्यूज़ देखने हैं तो सॉफ्ट टिश्यूज़ एमआरआई में बेहतर दिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, यहाँ नहीं दिखते, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते, शेडो दिखती है, वहाँ पर वो थोड़े और क्लियरर बेटर दिखते हैं। इसीलिए जब हमें लिगामेंट्स को देखना हो, जब हमें डिस्क को देखना है, हर्निएटेड डिस्क को, नर्व्स को देखना है, वो कंप्रेस तो नहीं हो रही है, तो फिर हम एमआरआई करते हैं। दिमाग के अंदर अगर ब्लीडिंग देखनी है तो सीटी स्कैन दिख जाएगी, क्लॉट देखना है तो सीटी स्कैन में दिख जाएगा, लेकिन सीटी से बेटर होता है एमआरआई सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए। बोनी टिश्यूज़ के लिए सीटी इज़ बेटर देन एमआरआई। सो ये दो बेसिक चीज़ भी अगर आप यहाँ से एक लास्ट मैसेज ले जाओगे तो भी बहुत होगा कि सीटी स्कैन इज़ फॉर बोन्स, एमआरआई इज़ फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़, राइट। और सीटी इज़ बेसिकली 100 एक्सरेज टुगेदर, उसको एक साथ रख के देख सकते हैं, खच 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 खच। So that is basic about CT scan से क्या दिखता है। If you have any questions, write them down. As usual, I'll try and answer them and keep this, make sure to share this information as always. Thank you.